This is Dam Square. Sorry. The most happening part of Amsterdam, where I'm Adam Tussaud, जहाँ पे सारे wax statues होते celebrities के all over the world. और ये सफेद छतरी में है भाई साहब जो हमें टूर कराएंगे यहाँ पे, वॉकिंग टूर एम्स्टरडेम का. अराउंड 2 घंटे का होगा और अच्छा लगेगा तो पूरा करेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो बीच में निकल के खुद ही देख लेंगे, घूम लेंगे. टाइम हो चुका है 12:57 और 1 बजे हमारा टूर स्टार्ट है. ये टूर वाले भैया बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ का मुर्दा घर है, और एम्स्टरडेम में इतने ग्रेवयार्ड ना होने की वजह से जो डेड बॉडीज होती हैं उसको यहाँ पे दफनाया जाता है. ध्यान से देखो तो बाहर कंकाल बने हुए हैं ताकि कोई गलत एड्रेस पे ना चला जाए. आ गए हैं एम्स्टरडेम की बुद्ध बाजार में, जहाँ सामान मिलता है थोड़ा क्वालिटी में हल्का और पैसों में बहुत ही सस्ता. जो सोविनियर्स बाहर 3-4 यूरो के मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 यूरो का मिलता है. ये देखिए भाई साहब चश्मा पहन रहे हैं. क्या ये बेसमेंट है या ग्राउंड फ्लोर? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एम्स्टरडेम के घरों के लिए. अब जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है उनको लगता है ये बेसमेंट है, बट एक्चुअल में इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है. ये है ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर इतने लो लेवल पे इसलिए है क्योंकि जब ये शहर बसा था तो यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर था वो इस शहर के एक्चुअल लेवल से 5 से 10 फीट नीचे था. बट यहाँ पे एम्स्टरडेम में यूजुअली फ्लड रहता था, बहुत आउटर सिटी पूरा पानी से भरी हुई है, और सॉफ्ट सॉइल के कारण यहाँ पे हमेशा पानी घरों के अंदर घुस जाता था, जिसकी वजह से इस लैंड का जो लेवल है उसको काफी ऊपर करना पड़ा और जो ग्राउंड फ्लोर थे वो अब बेसमेंट की लेवल पे आ गए हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर थे अब वो ग्राउंड फ्लोर के लेवल्स पे आ गए हैं. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब घरों के ऊपर हुक्स लगे हुए हैं और ये सारे एंसेस्ट्रल होम्स है, कोई भी नया घर नहीं है, ये बहुत ही पुराने घर हैं. एंड इन हुक्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि पुराने टाइम में जब यहाँ पे फ्लड आ जाता था यूजुअली तो मैक्सिमम टाइम्स ग्राउंड फ्लोर डूबा रहता था पानी में, तो घर पे सामान आना, फर्नीचर आना या कुछ भी सामान आना पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से पूरे टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती थी. तो गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला कि अगर यहाँ पे हुक्स लगा दिए जाएंगे तो कोई भी सामान जो हमको घर के अंदर लाना है वो हम डायरेक्ट डोर से ना ले जाके ऊपर उसको पुल करके थ्रू विंडोज अंदर ले जा सकते हैं. तो ये है यहाँ पे हुक्स का काम, और यहाँ के ऑलमोस्ट 90% होम्स में हुक्स लगे हुए हैं क्योंकि सारे एंसेस्ट्रल होम्स हैं, बाकी जिनमें नहीं है वो नई कंस्ट्रक्शन होम्स हैं. एम्स्टरडेम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन, एम्स्टरडेम की कहावत है कि अगर एक खड़ी गाड़ी पे भी साइकिल वाला टक्कर मार दे तो गलती गाड़ी वाले की होती है. यहाँ ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 80% लोग यहाँ पे साइकिल्स पे ही घूमते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो लोकल्स हों, क्योंकि एम्स्टरडेम की जो रोड्स हैं वहाँ पे आउटर रोड्स पे तो कार्स अलाउड हैं, ट्रक्स अलाउड है, बट इनर रोड्स पे कार्स वगैरह अलाउड नहीं है. हमें लेफ्ट जाना है उस साइड, और यहाँ पे एक बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत ही पुराना एक शॉप है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे मिलते हैं फ्रेंच फ्राइज, और वो कोई आम फ्रेंच फ्राइज नहीं है, बहुत ही अच्छे डिफरेंट शेप के फ्राइज हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, और बहुत ही रिकग्नाइज शॉप है वो. तो हम जा रहे हैं वहाँ पे फ्राइज खाने के लिए, आई होप अच्छे होंगे. पहुँच गए हम सबसे फेमस फ्राइज शॉप पे मिनी कैंपस, ऑर्डर नंबर 1 हॉलैंड फ्राइज़.
और अब यहाँ से हम फ्राइज खरीद के खाने वाले हैं। टेस्ट करते हैं कैसे हैं फ्राइज उनके। गाइस बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे फ्राइज के लिए, तो मैं कहीं और से खा लेता हूँ। कोई नहीं, टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाएगा बट पेट तो भर जाएगा। इतनी लंबी लाइन में तो नहीं लग सकते, बहुत टाइम, आधा पौना घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा कि घूम लेते हैं। फ्राइज की लाइन तो बहुत लंबी थी, तो आगे हम एक इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ हमने ऑर्डर किया है फलाफल रैप और फ्राइज। आ गया है अपना 24 नंबर का ट्रैम। अरे रुक नहीं रहे, रुको भाई, रुक गया। हमने एम्स्टर्डम का 2 डे का अनलिमिटेड पास ले रखा है, तो हम ट्रैम बस ट्रेन किसी में भी अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हैं। ये लो अपना पास। लो जी आगे हैं वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बियर कंपनी की ब्रूरी में, जिसका नाम है हेनिकन ब्रूरी। और यहाँ बियर पीने नहीं आए हैं, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बियर टेस्टिंग सब होता है। तो ये इन्होंने पूरा अंदर एक सेटअप बना रखा है टूरिस्ट के लिए कि जो जो एम्स्टर्डम आते हैं वो यहाँ ज़रूर विज़िट करते हैं, और दिखाते हैं आपको कि क्या है अंदर का सिस्टम। मिल चुके हमको 2 टोकन, 3 टोकन का है। अब देखते हैं इसका हमें क्या मिलेगा, वो अंदर जाके पता चलेगा। And we shall get started. So the first step is we take a nice deep sip. Drink me, drink me. यहाँ पे हम अपने बॉटल पे कस्टमाइज मैसेज या नाम लिख सकते हैं, और एक बॉटल का चार्ज है $7.50, जो कि अराउंड 700 रुपये पड़ता है। बट हम इस चीज़ की स्किप कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये है हमारा day 3 इन एम्स्टर्डम, बट टेक्निकली हम यहाँ सिर्फ 1.5 दिन के लिए थे। परसों रात को आए थे, कल का पूरा दिन, और अब बज चुके हैं 12:15 और हम जा रहे हैं बस स्टैंड अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए, बस लेने के लिए। और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन होने वाली है ये, और वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड विद इट्स करण मल्होत्रा। थैंक यू गाइज़।